सिर्फ आम्रपाली बायर्स बल्कि आम्रपाली के स्टाफ यानी आम्रपाली का एम्प्लॉय भी परेशान है यहाँ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में आम्रपाली के एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं जो कि प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको उनकी सैलरी नहीं मिली। पिछले 12 महीने से लोग परेशान हैं लेकिन आम्रपाली उनकी नहीं सुन रहे। आइए उन कुछ लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, मेरा नाम नितेश कुमार हुआ, आम्रपाली मुंबई का जिला। 11 महीने से मेरे की सैलरी नहीं, ना ही पी एफ का पैसा जमा हुआ है 2015 के बाद, ना ही टीडीएस का पैसा जमा हुआ है। मतलब किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है और बहुत बुरी स्थिति है। किसी बात अंदर कोई मिलता ही नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट पे जीएम साहब है, वो डेट पे डेट देते हैं, आज मिलेगा कल मिलेगा, फिर अभी भी बोलते हैं ऐसे करके परेशान कर रहे हैं। यहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं होता है, आते हैं हम लोग घूम के चले जाते हैं, बहुत परेशान है। 11 महीने से सब के हारे काम हो रहा है, मतलब इतना है कि हम इतना सेट कर रहे हैं, परेशान है। कोई नहीं मिल रहा है, नहीं आया सर, कोई मिलने नहीं। सरकार को अपना 4 करोड़ रुपया चाहिए था तो उन्होंने जी को उठवा दिया था या जिसको भी उठवाया था। अब जब हमारी बारी है तो हमारी सुनने को कुछ तैयार नहीं है। हमने 2010 में बुक किया था, आज 7 साल हो गया, 2012 की कमिटमेंट लिया, बट आज तक हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे। बैंक से तो हमने लोन ले लिया, बैंक से लेके सारा आम्रपाली को दे दिया। अब बैंक वाला तो नहीं रुकेगा, वो तो हर महीने हमारे अकाउंट से ईएमआई काटता जा रहा है, लेकिन हम कब तक अपनी जेब से देते रहेंगे? जिस चीज़ के लिए हमने लिया वो घर हमें आज तक नहीं मिला। हम सरकार से बस एक ही उम्मीद करते हैं कि अगर कर सकते हैं हमारे लिए तो हमें हमारा मकान दिलवाए, नहीं दिलवा सकते तो जितना पैसा हम लोगों से लिया था वो हमें वापस करें। कोई मैसेज ही हमें हमारा मकान का पैसा वापस करें, और उनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जितनी उम्मीद थी उन्होंने अगर करनी होती तो 2012-13 में कर देते, अब वो सब पैसा दबा के बैठ गए हैं। बट हमारी उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हमारा पैसा रिटर्न करें। सर हम डेली यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, घटना पे बैठे हुए, हमारी 11 महीने सैलरी नहीं मिल गई, और ना हमारा SI जमा हुआ है, ना PF जमा हुआ है, बच्चे हमारे बहुत परेशान हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत है सर। 11 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही, ना कोई बात करने को तैयार है, ना कोई आता है, बहुत बड़ी दिक्कत। बच्चे भूखे मरने लगे हैं सर। आप में से किसको ये लगा कि 11 महीने से अगर सैलरी नहीं मिल रही थी तो आज बैठा, ये एजिटेशन कब से चल रहा है? नहीं सर, हम जो क्या हुआ पहले क्या एक्चुअली क्या है कि सैलरी इन्होंने एक साथ नहीं दिया, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा देते रहे, धीरे धीरे पाइलअप करता गया कि इस महीने थोड़ा सा लेट हुआ, फिर इन्होंने 10,000 दे दिया, फिर पार्शियल सैलरी 25% दे दिया, 50% इस तरह से होता रहा। और फिर ये नौबत आ गई कि तो इधर 3-4 महीने से हम लोग सैलरी बिल्कुल बंद हो गई है। अब जो है मकान मालिक आ रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, परिवार को बीवी है, बच्चे हैं, उनको हम लेके कहाँ जाएं, इसमें क्या करें, ये मतलब लास्ट ये हो गया। इसलिए हम लोग कोई आपकी बात नहीं, कोई नहीं सुन रहा सर। डायरेक्टर साहब है, हमारे डीएम साहब है और CMD है, कोई नहीं सुन रहा। यहाँ आते हैं, कोई DM के पास जाके मिल गए, DM साहब के पास मिले, उन्होंने DLC को लिख दिया, DLC के पास गए, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब लास्ट हम लोग के अफसर ने पूछा कि मीडिया बची है, आप लोग बचे हो बस, जिससे हमारी बात आगे पहुँच के प्रशासन से हो के हम लोगों को जो है इसमें एक टन तो और है। क्या बाहर जो बायर्स के साथ बायर्स भी आपका गला तो नहीं पकड़ रहे हैं कि आप भी जिम्मेदार हैं इस चीज़? नहीं नहीं, बायर्स नहीं, तो बायर्स आपके साथ भी हैं, हम उनके साथ हैं। एक घर बनाने में बिल्डर के साथ एम्प्लॉय का भी उतना ही बड़ा हाथ होता है जितना कि एक बिल्डर का होता है, मगर घर बनाने के बाद एम्प्लॉय सड़क पर बैठा हुआ है और बिल्डर मजे कर रहा है। तमाम यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं, हमारे बीच मुझसे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं, कब तक उनको इस तरह बैठना है। सर मेरा 11 माह का सभी का सैलरी रुका हुआ था और यहाँ किसी को पैसा नहीं है खर्चे के लिए, बच्चों की पढ़ाई हमने नहीं है, सारा सब कुछ खत्म गया है, घर का खर्चा कर्जा लेके ले कर गए जो कोई नहीं। सर DM के यहाँ गए तो DM ने DLC भी लिख दिया, DLC ने बोला कि कार्रवाई करनी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई 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 भी मिलने नहीं आया, कोई भी मिलने नहीं आया सर। DLC के पास हम गए, DM के पास गए, उन DM का भी हमारे पास ये जवाब होता है कंपनी के पास कोई पैसा ही नहीं है, अंदर यहाँ हमारी कोई बात नहीं, एकदम ना हमसे कोई मिलने आता है यहाँ पर। हम तो सर हमें काम करते करते यहाँ पर 4-5 साल हो गए, 11 महीने की सैलरी बची हुई सर। उम्मीद होती तो सर हम आप लोगों के बीच में ऐसे आपका कदम तो सर हमारे ये कदम को हमारे मोदी सर सरकार है, योगी सरकार है, योगी जी से ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन को टाइट करें, हमारा पैसा दिलवा दें, हमारा हक दिलवाएं, हमारा सैलरी दिलवाएं, हमारी मेहनत का पैसा।
अनिल शर्मा से भी हम यही बोलेंगे कि वो हमारा सैलरी दे, वो छिपे नहीं भागे नहीं, वो कुछ तो कमिटमेंट करें। हम लोग को जो है ना सैलरी दे करके हम लोग को यहाँ से जो है ना विदा करें, हम लोग को पीएफ रुका हुआ है, पीएफ की पैसा जमा करवा दे, हम लोग को जो ईएसआई काटा है, टीडीएस काटा है, किसी का पैसा जमा नहीं हुआ है, सब पैसा किया कहाँ है, पैसा किया किया जितना डायरेक्टर वही लोग सब बाट पीट के खा गया क्या हम लोग के पैसा। ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं, कोई सूद लेने पर तैयार भी नहीं है, पूछने भी नहीं आ रहे हैं, देखने भी नहीं आ रहे हैं कि किस हालत में है ये, और अपने मजे ले रहे हैं, एक एक करोड़ के दो दो करोड़ की गाड़ी पे घूम रहे हैं। ये सब फ्रॉड हैं, चीटर हैं, बहुत बड़ी साजिश हम लोग के साथ किया गया। हम लोग यहाँ पर रोटी खाने का भी पैसा नहीं है, ऐसा नौबत है, मकान मालिक हम लोग से खुदा देना चाहता है, लेकिन गोर हाथ पकड़ के हम लोग रह रहे हैं, उन लोगों का कुछ इधर उधर का काम करके क्या करें, नहीं तो हम लोग यहाँ पर जाने भी नहीं दे रहा है, हम लोग जो भी कुछ सामान वामान मकान मालिक अलग घर से निकाल रहा है, और ये तो पैसे नहीं है, बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, नहीं जा पा रहे हैं, फीस नहीं जमा हो पा रही है, कॉपी किताब नहीं खरीदा पा रही है, इस हालत में हम लोग आ गए हैं। तब अब हम लोग सोच रहे हैं अब यहीं मरना है तो यहीं पे मरेंगे, हम लोग जाएंगे कहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा हम लोगों के पास। ये लेटर है जो हमने डीएम और डीएससी को एप्लीकेशन रिसीविंग कराया था, लेके गए थे हम लोग, कोई ऐसे नहीं होते सर, एक मिनट सर, बात कर लेता हूं, एडिटिंग में बोल रहे हैं, सही बात है, हम लोग को 11 महीने से ज़्यादा की सैलरी नहीं मिली है, और हम लोग बहुत चक्कर काट चुके हैं, यहाँ से कोई सुनवाई हम लोग ऊपर नहीं हो रही है, 6 महीने में कभी 5,000-7,000 इस तरह दे करके हम लोग को बदला दिया जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग के मकान मालिक परेशान कर रहे हैं, मकान मालिक बोल रहे हैं आप लोग घर छोड़ के चले जाओ, हम लोग को पैसा दो, आप सामान बेच दो, स्कूल में बच्चे के जाकर के फीस जमा नहीं हो रही है, उसका नाम कट रहा है, बहुत सारी लगता है कि हमारी सरकार ही नहीं, देखिए ये तो हम नहीं बता सकते, अनिल शर्मा जी से ये करना चाहेंगे कि हम लोग पहले के स्टाफ हैं, हम लोग को जिस तरह वो यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाए थे, वो रखे थे, काम करवाए थे, मेहनत की है, 24 घंटे उन लोग के लिए जाकर के साइड पे जाकर के नाइट वर्क किए हैं जाके, उसका हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो वो चीज़ भी देखे कि स्टाफ उनके साथ शुरू से जुड़ा है, काम किया है, तो हम लोग को अब तो 11 महीना 12 महीना हो गया, सैलरी तो दे कि हम लोग अपना कैसे क्लियर करेंगे, क्या करेंगे, लाइफ जाकर के सेटल करें, अपना जाकर के, अगर हटाना है कंपनी को हटा दे, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग का जो बचा हुआ है बाकी रकम, टीडीएस जमा नहीं हो रहा है, पीएफ जमा नहीं हो रहा है, पीएफ सैलरी से कट रही है, वो सब पैसा क्या कर रहे हैं, वो सब पैसा भी जमा नहीं कर रहे हैं, सैलरी से काट रहे हैं खाली, और नहीं सैलरी दे रहे हैं, 2016 से जाकर के सैलरी से कट नहीं दिया, कल को ये बोलेंगे कि आप लोग इम्प्लॉई नहीं हो, 2016 से जाके इनके पास हम लोग का रिकॉर्ड जो है सैलरी स्लिप कट नहीं, जनवरी 2016 समस्या जो है ना यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या है कि मैं आपको मतलब कुछ चीज़ बता नहीं सकते, ये मेरे खुद की समस्या नहीं है, अकेले की समस्या नहीं, सारे की एक ही समस्या है, समस्या ये है कि मतलब इन्हें सैलरी जो है पिछले ढाई साल से जो इंटर सैलरी का इंटरवल धीरे धीरे करके पहले तो 1 महीने आते थे, फिर जो है 2 महीने पे आने लगे, फिर 3 महीने पे आने लगे, फिर 4 महीने पे, फिर एवं प्रकार करते 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 आज की तारीख पे आ करके हमने पिछले साल में जो है ना अगस्त का एक सैलरी पाया जो में ट्रांसफर हुआ, उसके बाद अगस्त के बाद जा करके एक सैलरी जो है दिसंबर में ट्रांसफर हुआ, उसके बाद कोई अकाउंट में कोई सैलरी ट्रांसफर नहीं हुई, और अब हम लोग जो है ना नई कंपनी और भी टाइम टू टाइम इंटरवल पे कंपनी को अपना प्लानिंग के तहत इन्हें बहुत स्टाफ को टर्मिनेट भी किया, तो जो टर्मिनेट किया तो उनको तो चलो वो निकल गया, हमें ना तो इन्हें टर्मिनेट किया, और हमारा क्वेश्चन जो है ना मतलब ये है उनके साथ में कि ठीक है हम आपके स्टाफ हैं, आज तक आपके लिए अभी भी आप काम चालू करते हो तो हम काम कर अभी तक करते आए हैं, अगर आप करोगे तो आपको हो सकता है, अगर आपको रखना है तो आप लोग को हम करेंगे, लेकिन आपको अगर रखना है तो अच्छी तरह से ठीक तरह से रखना होगा, जितना भी बैलेंस है किसी के 12 महीना 15 महीना 16 महीना जितनी भी बैलेंस है हर किसी की पैसे पहले पीछे का क्लियर करो, पीछे का क्लियर करो, और आज हम जैसे आते हैं अगर आपको हमें निकालना है तो हमें निकालो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हम किसी को रखो, जिनको आप जो भी है हमारा फाइल क्लोज करो और हमारा पैसे दो, हमारा टारगेट ये नहीं है कि आप क्या करते हो, हमारा ये टारगेट है कि हमारा जो दाने दाने को खाने को मतलब यहाँ पे मरणासन्न स्थिति में पहुँचे हुए हैं, आप हमें
हमारा फाइनल ग्रोथ हमारा पैसे। आप देख सकते हैं जैसा कि लोगों को यहाँ पर खाने के लाले पड़े हैं, उनके परिवार पर बात आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। लोग परेशान हैं, सड़क पर बैठे हुए दो दो तीन तीन दिन हो चुके हैं और उसके बाद भी इनसे अब तक कोई मिलने नहीं आया। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि डीएम के पास गए, इन्होंने उसको लेटर लिख कर दिया, अगर डीएम साहब का भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया और ये लोग परेशान हैं, आगे भी इस तरह से ये परेशान ही रहेंगे क्योंकि इनकी कोई सुनने वाला नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।